दोस्तों, किंग खान की फिल्म डंकी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। ये शाहरुख के करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। शाहरुख की डंकी और प्रभास की सलार का बिग बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है। इस जंग में किसका पलड़ा भारी होगा, ये एनिमल की रिलीज पर निर्भर करेगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ बेल्ट में डिस्ट्रीब्यूटर्स शाहरुख की फिल्म को ज्यादा शोज देना चाहते हैं। पठान जवान की सफलता के बाद वो 3:1 के रेशियो में डंकी सलार के शोज रखना चाहते हैं, माने डंकी के 3 और सलार का 1 शो। मसला ये है कि सलार को आ फिल्म्स वाले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो रणबीर की एनिमल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आ फिल्म्स उन्हीं को एनिमल के शोज दे रहे हैं, जो सलार के ज्यादा शोज चलाने पर राजी हो रहे हैं। दोस्तों, डंकी के खिलाफ इनकी बड़ी साजिश चल रही है, लेकिन शाहरुख खान भी इनके 1 कदम आगे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि किस फिल्म को कितने शोज मिलते हैं और दोनों ही फिल्में कितनी कमाई करती हैं। वही दोस्तों, डंकी जो प्रमोशन स्ट्रेटजी कर रही हैं, सलार भी उनको कॉपी करती नजर आती है। लेकिन प्रभास के जन्मदिन पर सलार ने टीजर नहीं डाला और अब बाजी किंग खान की तरफ है। डंकी अपना धमाका करने के लिए तैयार बैठी है और कुछ खतरनाक सीन देखने को मिलेंगे। किन यही सच्चाई है दोस्तों, डंकी और सलार दोनों फिल्में अलग अलग रिलीज होती है तो ज्यादा कमाई करेगी, और एक साथ आती है तो फिर एक ही फिल्म आगे जाएगी। लेकिन हिंदी में कोई फिल्म डंकी के आसपास भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से डंकी और सलार की ये लड़ाई है, ये पावर की लड़ाई है। डंकी की सीधी लड़ाई साउथ फिल्म सलार से देखने को मिल रही है और एक दूसरे के फैंस जमकर बवाल मचा रहे हैं। दोस्तों, इसलिए ये फालतू की हेट फैलाना बंद करो, क्योंकि सलार और डंकी दोनों ही फिल्में बहुत अच्छी होगी, लेकिन सलार ने जो डंकी के साथ क्लैश किया है वो बहुत गलत है। इसलिए ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि डंकी और सलार किसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि डंकी या सलार कौन सी फिल्म आगे जाएगी।